सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। तो सर 5G का वेट तो हम सभी कर रहे हैं कि भैया कब आएगा 5G, कहां से आएगा 5G, कैसे आएगा 5G। लेकिन दोस्तों यहां पे आज अब इस वीडियो को एक तरीके से बात करने वाला हूं थोड़ा सा बेसिक 5G के बारे में, कुछ 5G के खास फीचर्स के बारे में, और यहां पे दोस्तों बताऊंगा आपको कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस के बारे में कि कैसे हम कहां-कहां पे किस तरीके से 5G को यूज करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात करें 5G के बारे में, उससे पहले हम जल्दी से बात करते हैं कि आखिर ये जी का मतलब क्या है दोस्तों, जो कि है जनरेशन। तो यहां पे देखो दोस्तों, हमने यूज किया है 1G, 2G, 3G और 4G। यहां पे दोस्तों बात करते हैं 1G की, तो भैया देखो हमारे पास में नॉर्मल पहला मोबाइल फोन। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 2G की, तो यहां पे आ गया था हमारे पास में डेटा और SMS। 3G दोस्तों जो है वो हमको मिल गए कुछ और हाई स्पीड डेटा वाले फीचर्स। और बात करते हैं अगर 4G की, तो भैया आप करते हैं सुबह शाम रोजाना यूज की, भैया डेटा मिलता है काफी तेजी से। और आज की डेट में कितने सारे हो गए हैं, कितने सारे डिवाइसेस हो गए दोस्तों, यहां पे सभी हो चुके हैं कनेक्ट। लेकिन दिक्कत दोस्तों ये हो गई है कि यहां पे उनका नंबर बढ़ता जा रहा है, हमारे पास में बहुत सारे से तरह तरह के डिवाइसेस आ रहे हैं। तो यहां पे दोस्तों हमारे पास जो हाईवे है ना, उसमें लग गया है जाम, क्योंकि उसमें लेन्स लिमिटेड है। दोस्तों बात करता हूं लेन्स की, तो आप दोस्तों समझ लो कि आज के दिन अगर आप देखते हो कि भैया बात कर रहे हैं वाईफाई की, ब्लूटूथ की, आपके मोबाइल नेटवर्क्स की, या फिर दोस्तों इनफैक्ट एक बेसिक माइक्रोवेव ओवन की, तो यहां पे दोस्तों जो फ्रीक्वेंसीज हम काम में लेते हैं वो होती है कुछ हद तक मैक्सिमम 6 GHz। तो यहाँ पे दोस्तों दिक्कत क्या है उस लिमिटेशन के साथ में कि हमको इतनी जगह नहीं मिल पाती है, मतलब वो दोस्तों समझ लो कि आप रास्ता पूरा जाम हो गया है, क्योंकि डिवाइसेस इतने सारे बढ़ रहे हैं, सारे बड़े दोस्तों कैपेसिटी है ना वो हैंडल करने की भैया खत्म सी हो गई है, जो बात करता हूं मोबाइल नेटवर्क्स वगैरह की। तो आगे अगर आपको लेना है हाई स्पीड का मजा, अगर दोस्तों आपको आगे चाहिए और बहुत सारे डिवाइसेस, तो यहां पे दोस्तों हमको जंप लगाना पड़ेगा दूसरी फ्रीक्वेंसी की तरफ, जिसको हम बोलते हैं मिलीमीटर वेव, जो कि होती है 30 GHz से 300 GHz के बीच में। और अगर दोस्तों हमको मिल जाए वो वाला हाईवे, उसके बाद में भैया कभी जाम लगेगा नहीं। तो यहां पर दोस्तों 5G है, उसके अंदर जो पहला पॉइंट निकल के आता है वो तो है मिलीमीटर वेव टेक्नोलॉजी का, यानी कि दोस्तों ये अगर हम काम में लेते हैं फ्रीक्वेंसीज, जो कि दोस्तों बात हो रही है 30 GHz, 50 GHz, 60 GHz, अलग अलग ऑपरेटर्स वगैरह के हिसाब से। तो यहां पर दोस्तों उसके बाद में हमको बढ़िया तो मिलेगी भैया यहां पर एकदम कंजेशन फ्री परफॉर्मेंस की, आपके पास में डिवाइसेज चाहे कितने सारे हो जाए फिर भी कोई कमी नहीं आएगी, और ऐसे में स्पीड भी अच्छी मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों दिक्कत आएगी एक कि भैया जो सिग्नल होता है ना, जितने उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती रहती है वैसे वैसे वो पेनिट्रेट नहीं कर पाता है भैया दीवारों वगैरह के आर पार, या फिर दोस्तों बात करता हूं अगर मौसम खराब होने की, तो बारिश वगैरह अगर हो गए भैया हो गए, अगर बादलों वाला मौसम, तो आपका जो सिग्नल है वो बहुत जल्दी एटीन्यूएट हो जाता है, वो आगे दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाता है। तो यहां पर दोस्तों काम में लिया जाएगा स्मॉल सेल सिस्टम को। भाई आज की डेट में क्या है हमारे पास में कि मोबाइल टावर दोस्तों एक लगा होता है बड़ा सा, जो कि आसपास की बहुत बड़ी रेंज कवर कर रहा है, लेकिन अभी अगर आपने टावर लगाया ऐसे इतना दूर, तो भैया 5G का सिग्नल तो फोन तक पहुंच नहीं पाएगा। तो इंस्टेंट दोस्तों यहां पे क्या होंगे, लो पावर वाले होंगे छोटे-छोटे बहुत सारे ऐसे सेल्स, जहां पे वो सीधा भैया यूजर के फोन तक पहुंचा पाएंगे डेटा काफी तेजी से। बिल्डिंग्स के दोस्तों आर पार हो जाएगा पेनिट्रेट, या फिर इनफैक्ट अगर बात करता हूं बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह की, तो उसमें दोस्तों उसके अंदर ही सिस्टम इंस्टॉल्ड होंगे जो कि आपके फोन तक दे पाएंगे 5G। तो यहां पर दोस्तों हम काम में ले रहे हैं भैया इन स्मॉल सेल्स को। लेकिन अब दोस्तों यहां पर आपको बता दूं एक और चीज, जो कि है MIMO। अब यहां पे दोस्तों जो है MIMO, उसमें होता यह है कि भैया आप जो पोर्ट्स हैं उनका साइज इंक्रीज कर रहे हो, जो कि स्टैंडर्ड दोस्तों आज की डेट में है वो है करीब 10 से 12 किसी एंटीना में, लेकिन 5G के साथ में जा सकते हैं 100 से ज्यादा। तो मतलब जो कैपेसिटी है, जो मतलब एक टावर भैया कितने यूजर्स को हैंडल कर सकता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर दोस्तों बात फिर ऐसी होती है कि हमको बीम फॉर्मिंग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आपने दोस्तों बहुत सारे पोर्ट्स लगा दिए तो ऐसे में सिग्नल जो है भैया जा रहा है इधर उधर दाएं बाएं, तो होंगे बहुत सारे इंटरफेरेंस। तो यहां पर दोस्तों 5G अगर पाएगा, मतलब आप भैया मान लो यहां बैठे हो और यहां से 5G यूज कर रहे हो, जो टावर है वो कहीं दूर है और वहां पर दोस्तों वो 2-3 यूजर्स जो है वो एक साथ कनेक्टेड है और उनको सबको देख रहा है, तो वो ये पता लगा पाएगा कि भैया ये यूजर कहां बैठा है, वो यूजर कहां बैठा है, और बाद में जो सिग्नल्स हैं वो ऐसे करेगा अपनी तरफ से आउटपुट कि भैया वो जो है वो स्पेसिफिकली आपके लिए टारगेटेड हो, यानी कि जो इंटरफेरेंस है वो हो जाएगी कम से कम। यहां पर दोस्तों इसके बाद में बात आती है भैया हमारे पास में फुल डुप्लेक्स कनेक्शन की, यानी कि दोस्तों बात करता हूं अगर अपस्ट्रीम की या फिर डाउनस्ट्रीम की, तो आप उसको एक साथ बहुत समान स्पीड पे, काफी कमाल स्पीड पे एंजॉय कर पाएंगे। मतलब वो नहीं है कि भैया कॉल आ गई तो डेटा कट गया है, या फिर अपलोड ज्यादा है डाउनलोड कम है,
है जो भी है, यहां पर दोस्तों बहुत सारे काम एक साथ बड़े आराम से कर पाएंगे, फिर चाहे बात हो अपलोडिंग या फिर डाउनलोडिंग की। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं यहां पर कुछ यूज केस सिनेरियोस की, भैया कहां कहां पर यूज कर पाएंगे 5G को। तो सबसे पहले तो ऑफकोर्स ये दोस्तों आने वाला है ब्रॉडबैंड की फॉर्म में, भैया मोबाइल फोन में तो आएगा क्या पता थोड़ा बाद में, लेकिन इंडिया में नहीं, तो दोस्तों इंडिया के बाहर यहां पर जो घर में होता है दोस्तों कनेक्शन, वहां पर आने वाला है पहले 5G, बिकॉज वहां पर इंप्लीमेंट करना आसान है। मोबाइल फोन में दोस्तों क्या उसके बाद में आ जाएगा, लेकिन दोस्तों जब भी यहां पर आएगा तो हम स्पीड देखते हैं कि भैया जो होगी पीक वो हो सकती है 10 Gbps, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा है, और दोस्तों वरना एटलीस्ट 1 Gbps तो हमको मिले ही। तो मतलब भैया ये है 5G का मजा, प्रोवाइडेड दोस्तों हमको स्पीड्स मिल पाए, बिकॉज यहाँ पे जो ऑपरेटर्स हैं उन सभी से भी एग्रीमेंट करवाया जाएगा कि भैया आपको मिनिमम इतनी स्पीड देना, मतलब वो ना हो कि भैया नाम का 5G और स्पीड मिले हमको 5 Mbps की। तो यहाँ पे हमको दोस्तों 5G में जो क्वालिटी ऑफ सर्विस मिलेगी वो काफी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों से बात करता हूँ अगर IoT की, तो मतलब इतने सारे डिवाइसेज दोस्तों जुड़ जाएंगे ना इंटरनेट से। मतलब अभी दिक्कत क्या है, बहुत बार तो ये होता है कि दोस्तों अगर छोटा डिवाइस है अगर आपको उसमें 4G का फीचर देना है तो जो एंटीना की लेंथ होनी चाहिए ना वो ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन जो 5G है उसमें दोस्तों जो एंटीना है वो होंगे बहुत ही छोटे-छोटे। तो इतने सारे तरह-तरह के डिवाइसेस, तरह-तरह के स्मार्ट सेंसर्स और दोस्तों जो कंप्लीट बहुत सारे ऐसा कंप्लीट इकोसिस्टम है, फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग दोस्तों जो है आपको बनानी स्मार्ट बिल्डिंग, या फिर आपके घर में है बहुत सारे सेंसर्स, किसी शहर में सरकार ने इंस्टॉल किए बहुत सारे सेंसर्स वगैरह, तरह-तरह के प्रोडक्ट्स, तो वो दोस्तों सभी डिवाइसेस हैं वो जुड़े होंगे इंटरनेट से 5G की मदद से। इनफैक्ट दोस्तों मैं बात करता हूं बाद में लो लेटेंसी की, तो मतलब अभी क्या होता है ना कि आप अगर करते अपने फोन में स्पीड टेस्ट, क्या पता आपको स्पीड अच्छी मिल भी जाए, लेकिन दोस्तों जो पिंग होता है ना वो उसमें लग जाता है टाइम की, मतलब जो टाइम लग रहा है आप तक सिग्नल पहुंचने में दोस्तों डिले हो रहा है वो डिले 5G में होगा भैया ऑलमोस्ट ना के बराबर। जिसका दोस्तों एडवांटेज क्या है कि भैया हम बात कर सकते हैं फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन जैसे कि रिमोट सर्जरीज वगैरह, कि डॉक्टर कहीं है पेशेंट कहीं है लेकिन डॉक्टर भैया वहीं से ही मशीन से दोस्तों कर पा रहा है सर्जरी, क्योंकि डिले नहीं है, लेटेंसी एकदम ना किसी बराबर है, तो मतलब वो एज गुड एज लाइव है, जो कि आजकल दोस्तों 4G में पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट दोस्तों मैं बात करता हूं अगर आपसे एक और टाइप के इंटरनेट की, जहां पे आप कहीं और का भैया माहौल अपने पास में फील कर पाएंगे क्योंकि डिले नहीं है। अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल दोस्तों कहीं पे दूर कहीं गाड़ी चल रही है रोड के ऊपर, जहां पे भैया स्पीड ब्रेकर्स भी हैं और जहां पे भैया गाड़ी मुड़ रही है, चल रही है, रुक रही है, जो भी है, तो वहां पे दोस्तों कुछ सेंसर्स अगर मान लीजिए इंस्टॉल्ड हैं जो कि डेटा कलेक्ट करते हैं उस गाड़ी का, और आप एक ऐसी चेयर में बैठे जो कि चेयर मूव कर सकती है, कुछ आपके पास में हैप्टिक फीडबैक सिस्टम है, तो आप उस एक्सपीरियंस को रियल टाइम में महसूस कर पाएंगे दोस्तों। ये जो सब चीजें हैं ना ये हम 5G से कर पाएंगे। तो यहां पे ये तो खैर एक फन एग्जांपल है, लेकिन आप दोस्तों जो प्रोफेशनल वर्ल्ड्स में इस तरह की चीजें जो है वो कितने बढ़िया तरीके से काम आ पाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगर बात करता हूं मान लीजिए बड़े बड़े इवेंट्स की, तो आप उनको अटेंड कर पाएंगे कहीं दूर बैठे, मतलब आपको लगे कि भैया आप उसी इवेंट में बैठे हो। दोस्तों यहां पर जो VR है उसके ऊपर एक काफी स्ट्रांग फोकस रहेगा AR और VR के ऊपर, और ऐसे में दोस्तों आपने कोई इवेंट अटेंड करना है, आपने अपना VR हेडसेट पहन लिया, वहां पर जो कैमराज लगे हैं वो उसको रियल टाइम में दोस्तों कर पा रहे हैं ट्रांसमिट एकदम सुपर क्वालिटी में, बिकॉज यहाँ पे डेटा की जो कोई कमी है नहीं उनके पास में, नहीं आपके पास में, आपने अपना हेडसेट लगाया भैया आप गर्दन घुमा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप वाकई में उसी इवेंट में बैठे हो। और दोस्तों इनफैक्ट इसका एक उल्टा तरीका कि मतलब आपका एक दोस्तों प्रोजेक्शन जो है वो उस इवेंट में भेजा सकता है एकदम रियल टाइम में, तो मतलब बिना किसी डिले ना आप जो है वो बहुत सारे नए नए काम कर पाएंगे। और यहां पर दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात है वो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, सड़क पर गाड़ियां दोस्तों चल रही हैं यहां पर, जो गाड़ियां हैं वो कर रही हैं आपस में कम्युनिकेट, जो तरह तरह के सेंसर्स इंस्टॉल्ड है सड़क पर, चाहे वो सिग्नल में हो चाहे वो कहीं और हो, यहां पर दोस्तों कम्युनिकेशन है वो हो पाएगा 5G की मदद से रियल टाइम में, तो फिर गाड़ियां जो है वो अपने आप चलेंगी और बेहतर तरीके से, जो कि आज शायद दोस्तों इतना अच्छा पॉसिबल नहीं है। तो ये है दोस्तों कुछ एक एप्लीकेशंस, लेकिन आप समझ लो कि भैया 5G के आने के बाद में एप्लीकेशंस बहुत सारी और भरपूर होने वाली हैं, हमारे चारों तरफ जो कनेक्टिविटी है वो और स्ट्रांग होने वाली है, और यही है कुछ बेसिक अपडेट 5G के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा शुरुआत से लेकर अभी तक। बाकी दोस्तों आप मुझे बताओ कि यहां पर 5G में आप सबसे ज्यादा किसके लिए एक्साइटेड है, कि भैया क्या आपको मिलेगा ये फीचर कि भैया आप जो है वो मूवीज को डाउनलोड कर पाएंगे 1-2-3 सेकंड में, या फिर कुछ और चाहिए, या फिर IoT में, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, आपका क्या है फेवरेट फीचर मुझे बताना जरूर नीचे कमेंट्स में। दोस्तों फिलहाल इतना ही, देख लेंगे, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा, अगर आपने इस वीडियो लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक भी शेयर भी कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूं। फिलहाल इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।